अभी हम रास्ते से हमारी टीम निकल रही थी तो कुछ लोग इकट्ठा मिले हमको यहाँ पे, तो देखकर गाड़ी रोक दिया गया। और अभी हम लोग हैं बिमातपुर बेला ग्राम सभा है ये, आइए जानते हैं। क्योंकि हम लोग जब रास्ते से थोड़ी दूर पे 50 मीटर 100 मीटर दूर पे देख रहे हैं घरों की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है, और लोगों से बात करते हैं उनकी समस्या क्या है और उनका रोजगार या जीवन कैसे चल रहा है। क्या नाम है आपका? एक मिनट, क्या नाम है आपका? राम रतन जी। ये बताइए क्या करते हैं आप? बस ये खड़ते हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं। अभी खाली कहाँ बैठे हैं? कुछ काम वाम नहीं है क्या? नहीं, काम है, मोहर लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी आराम कर रहे हैं? हाँ, आराम कर रहे हैं, बस अभी जा रहे हैं। ये बताइए आपके यहाँ आवास वास आपको मिला कि नहीं? अभी नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं। और शौचालय? शौचालय मिला है। मिला? हाँ। तो ये आवास आपको मिला क्यों नहीं? आप क्योंकि बहुत से लोगों को मिल भी रहा है। अब नाम ही नहीं तो कैसे मिलेगा? नाम नहीं है, नाम क्यों नहीं है? अब होगा ना, कोशिश नहीं की कभी? अच्छा, प्रधान जी करवाएंगे? हाँ, करवाएंगे। अब अभी जीते हैं, हाल फिलहाल में जीते हैं, पहली बार जीते हैं तो अभी काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। और भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं। भैया आपके कहना है? राम नमल। क्या करते हैं आप? यही दिहाड़ी करते हैं। दिहाड़ी करते हैं यहाँ कहीं करते हैं फिर शहरों में जाके करते हैं? नहीं, यहीं करते हैं। हाँ, तो दिहाड़ी कर रहे हैं तो मजदूरी सही समय से मिल जा रही है आपको? सही सही। ये बताइए आपको भी आवास मिला उला कि नहीं? अभी नहीं आवास मिला, नहीं आवास में नाम है। नाम है, अभी पेंडिंग में है। कब तक उम्मीद है कि आ जाएगी? प्रधान जी जो बताए होंगे आपको। हाँ, प्रधान जी कह रहे थे एक दो महीने में आ जाएगा। एक दो महीने में आ जाएगा। और क्या करते हैं आप? मजदूरी तो कर ही रहे हैं तो इससे जीवन यापन सही हो जा रहा है? हाँ, सही सही चल रहा है। एक बात बताइए, महंगाई उंगाई है कि नहीं? पूरी तरह से खूब महंगाई तो है। महंगाई तो है। और मजदूरी आप कितने घंटे लगभग करते हैं रोज? वही 6 घंटे 7 घंटे रोज। तो काम मिलता नहीं होगा? काम मिलता नहीं है। सही है, रोज काम नहीं मिलता फिर तो बहुत समस्या हो जाती होगी। होता है, क्या करें, करना पड़ता है, करना पड़ता है। चाचा आपके क्या नाम है? राम कुमार। आप क्या करते हैं? हम घर पे रहते हैं, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते हैं। मैं तो आवास वास आपके मिल गया है? अभी नहीं, अभी नहीं। ना एक उदा ना मिला है? ना शौचालय वौचालय वगैरह? एक बार मिला था। और आपका लड़का बच्चा कितना है? लड़के 4 हैं। सब कमा रहे हैं? कमा रहे हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग गांव में भी जाने की कोशिश करेंगे और प्रधान जी इस गांव के, थोड़ा सा उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, यहां के लोग बता भी रहे हैं कि आप पहली बार हुए हैं तो अभी पेंडिंग में आपका काम है, ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी पेंडिंग में? सरकार द्वारा फंडिंग वगैरह नहीं आ रही? नहीं, अभी नहीं यार, टारगेट ही नहीं बना ब्लॉक से कोई कि अभी कि हम आवाज दे सकें। लोगों से बात करके चल रहा है कि आप काम कर रहे हैं जी? अभी यही होम पाइप लग रही है, वही लगवा रहे हैं तो मजदूर लगा कर ना, देखिए हुआ है। बाकी अभी कोई फंड या कुछ नहीं? कुछ नहीं, कोई टारगेट ही नहीं बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब सरकार सोच रहा है कि इलेक्शन आ जाए तभी हम, इलेक्शन आ जाए तो काम उस पर करें, उस पर करें, वहाँ वोट बैंक बनेगा, वोट बैंक बनेगा। अभी हाल फिलहाल कोई नहीं, जब कोई संभावना 24 में हो सके तो आवास वास 24 के आसपास आवास सबको मिले। हाँ, ये कई प्रधान से हमारी बात हुई तो वो बता रहे हैं कि अभी बजट नहीं है सरकार की तरफ से और इसमें शायद प्रधानों की भी गलती ना हो। और भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश। गिरीश? सुरेश। सुरेश, सुरेश जी क्या करते हैं आप? फल बेचते हैं हमारे घर। अच्छा, फल बेचते हैं आप? एक बात बताइए, आप फल बेचते हैं तो फेरी लगा के बेचते हैं क्या? जी, दुकान उकान पे? नहीं साहब, फेरी लगा के। ये बताइए कैसे, क्या कौन सा फल आप बेच रहे हैं? सेब, केला? सेब केला। कैसे है सेब इस समय, रेट का है? सेब 100-150 किलो बिक रहा है। 100-150 किलो बिक रहा है। ये बताइए, और केला? केला 30-40 रुपये दर्जन जी। ये बताइए, जब से कोरोना काल आया, कोरोना के बाद से महंगाई भी थोड़ा है जी, तो लोग कम खरीदते हैं क्या सामान? अब ये फल वगैरह बिक्री डाउन इसमें चल रही है, अब पैसा नहीं है क्या इसे? लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा कम है तो कम खरीद रहे हैं, कम खरीद रहे हैं। इससे व्यापार में घाटा होता होगा। मान लीजिए आपने सेब खरीदा और सेब नहीं बिक पाया कुछ दिनों तक तो खराब होने के चांस होते हैं कि नहीं? कभी ऐसा हुआ है खराब होता है फल? कहाँ भाई, माल है, कच्चा सामान है तो माल खराब होगा, ऐसी बात है, खराब हो सकता है, खराब हो सकता है, कहीं खराब कहीं नहीं होता है, इस बात। अच्छा अच्छा, दोनों बात चलती है। और आप तो साइकिल से लगाते हैं तो बहुत, फेरी लगाते हैं तो बहुत दिक्कत हो रही है फिर बरसात में तो काफी दिक्कत? थोड़ा मोड़ा बेच ले जाए, उसके बाद बाजार में बेच ले जाए। बाजार में बेच लेते हैं, मतलब ठीक ठाक रोजी रोटी चल जाए। हाँ, ठीक ठाक चल रहा है। आपको आवास वास मिला कि नहीं? नहीं मिला अभी, नहीं मिला। दावे देख रहे हैं, जमीनी हकीकत पे क्या है अभी तक लगभग जितने लोगों से बात हो रही है? पलथी है। अच्छा, आपका घर पलथी है जी? हम लोग को आवास मिलवा नहीं किया है, दो भाई आवास मिलवा नहीं किया, कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला।
चाहे जो प्रधान हो, जो प्रधान हो। दसवीं बात, समस्याएं लोगों के पास बहुत हैं, निदान बहुत कम है। अभी और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। थोड़ा सा गांव में चलते हैं और देखते हैं वहां की स्थिति क्या है। अभी हम लोग इमादपुर में हैं और यहां की स्थिति आप देख रहे होंगे, आवास किसी को नहीं मिला है। जहां तक हम लोग जिस लोगों से मिले हैं, कुछ लोग हैं औरतें हैं, थोड़ा बात करते हैं। आप स्थिति पहले घर की देख सकते हैं, किस कदर किस गरीबी में ये सब रहते हैं। और दावे रोज होते रहते हैं बहुत ढेर सारे विकास के, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रधान जी, आपके आवास के फॉर्म भरे हैं? हाँ, भरे हैं। आवे वाला बाटे बहन। हाँ। प्रधान जी से इस बात भर बताओ रहे की थोड़ा सा फंड ना बाटे। हाँ, चलो आ जाएंगे, खाता एक महीना में आ जाएंगे। हाँ। और पुराना प्रधान मतलब कुछ ना करें? नहीं, पुराने प्रधान भरे हैं। अच्छा, पुराने प्रधान भरे हैं। अच्छा अच्छा, ये भरे हैं तो नए प्रधान पास करी है। ये बात सच्ची बताओ है जी, जी। काहे प्रधान ने बेइज्जती करे न केहू का, जो भरे हैं दैबे करी। ये स्थिति आप देख रहे हैं घर की, हमारे देश की, हमारे गांव की। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।